भाजपा ने जीत की खुशी मनाते हुए वार्ड नंबर 3, 6 और 12 के विजयी पार्षदों का भव्य स्वागत किया। सोमवार शाम स्थानीय मारवाड़ी पंचायत धर्मशाला परिसर में टाउन भाजपा की ओर से नगरपालिका चुनाव में विजयी हासिल करने वाले प्रत्याशियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 3 की भाजपा प्रत्याशी श्वेता अग्रवाल, वार्ड नंबर 6 के भाजपा प्रत्याशी बुध नारायण साहू और वार्ड नंबर 12 की भाजपा प्रत्याशी सुमन शर्मा को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। स्वागत समारोह में शामिल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार हमने 20 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में हम बहुमत से विजय हासिल करेंगे। उन्होंने शासक दल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटरों की लिस्ट में जानबूझकर हेराफेरी की गई है। बहुत सारे वोटरों का नाम चिपकुट में रहने के बावजूद वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, जिससे मतदाताओं को वोट देने से वंचित होना पड़ा और यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। वहीं विजयी हासिल करने वाले प्रत्याशियों ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी वार्डों की समस्याओं का समाधान कर सकें, विशेष रूप से होर्डिंग टैक्स, आवास योजना, सड़क, पेयजल आपूर्ति, बिजली बिल, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसी अन्य मौलिक सुविधाओं का समाधान करें। सभी मतदाताओं को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने अपना वोट देकर हमें विजयी बनाया। स्वागत समारोह में भाजपा के नगरपाल प्रत्याशी कुलदीप सिंह, टाउन अध्यक्ष शंकर सिंह, महेंद्र मांझी, अशोक मेहता, सुनील अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, राजेश गुप्ता, ब्रिजेश कुमार सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ सदस्य समेत शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहकर भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों को अपनी शुभकामनाएं दी। हाँ, कमजोरी तो है नहीं, लोगों के मन में लोग चाहते हैं भाजपा को वोट देने के लिए, और इस बार भी चाहा है और खुले दिल से वोट मिला है जो कुलदीप भाई को मिलना चाहिए। बस और थोड़ा प्रयास अगर हमारा और पहले से संगठन के लिए होता तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ना इस बार गवर्नमेंट ने कुछ बदमाशी किया हुआ है, हमने बहुत परिवार का देखा है जिनका पहले से वोटिंग में था, उनका नाम था। इस बार अच्छे अच्छे लोगों का शायद गवर्नमेंट ने कुछ पहले से स्ट्रेटेजी बना के वो सब काट उठ के एकदम बराबर कर दिया है। आप मानते हैं शासक दल लोकदल का हनन कर रहा है, आपकी बातों से लगता है? हाँ, ये शासक दल सत्तारूढ़ बीजेपी लोकदल का हनन कर रहा है, ये बात को आप मानते हैं? सर, एकदम मानते हैं, एकदम मानते हैं। वार्ड के अंदर जो भी समस्या है उसको हम लोग की जान से लग कर करके उस समस्या को दूर करेंगे। बड़ी समस्या होल्डिंग गैस की, होल्डिंग गैस, आवास योजना, आपका कंट्रोल को हर वार्ड में अपना अपना कंट्रोल को लाएंगे। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.